सो हे डियर मैडियर स्टोरियर यू ऑल आप सब कैसे हो मतलब कैसे 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 हो ठीक <laughs> है एंड वेलकम बैक टू माई चैनल लव इज लाइक टू पॉइंट जीरो देन आप सुन रहे हो माई लेडी डॉक्टर सो गए इस स्टोरी के लास्ट सीरीज में आप सबने सुना ही था कि जो हमारी ऑफ़िसर रहती है वो थोड़ा सा रोड हो जाती है उस बंदी से जिससे वो बंदे भी मतलब थोड़ा उसको भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि यार इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है मेरे को सुना के चली गई तो जो ऑफिसर रहते हैं वहाँ से निकल जाती है देन वहाँ पर जो लेडी रहती है वो भी वहाँ से निकल जाती है और जो बंदे थे ना उनको भी वहाँ से खिसकाया जाता है मतलब सभी को वहाँ से निकाल दिया जाता है तो ऑफिसर सीधा अपने ऑफिस में एंट्री ले लेती है एंट्री लेते ही वहाँ पे जितने भी ऑफ़िसर रहते हैं सल्यूट करते हैं देन जो हमारी ऑफिसर रहती है अपनी कैबिन में जाकर बैठ जाती हैं कुछ टाइम के बाद वहाँ पे सौरभ आता है सौरभ आकर कुछ फ़ाइल उनको दिखाता है और बोलता है कि बॉस ये सब फाइल जो है पेंडिंग फाइल थी जो कि मैंने जितना भी आपने पता लगाने के बोला था देन इसमें आपको थोड़ा सिग्नेचर एग्जेक्ट्रा चाहिए था एंड इसको हम ऊपर साइड हम भेज देंगे ताकि हमारे पास इसका रिकॉर्ड रहे तो सामने से ऑफिसर बोलती है ठीक है देन वहाँ पे वो लेडी जो मैंने बोला था ना फर्स्ट टाइम जो सौरभ के साथ थोड़ा तो सा हमारे ऑफिसर की बुराई भी करती है वो आ जाती है और बोलती है चीप मैं आई तो जो हमारी ऑफिसर रहती है वो बोलती है हाँ आइए तो उसके बाद जो लेडी आती है और बोलती है चीप वो जो सामने से ऑफिसर बोलती हैं हाँ क्या हुआ तो बोलती है चीप वो फॉरेंसिक में जो डॉक्टर आई हैं वो आ गई हैं तो सामने से जो चीप रहती हैं वो बोलती हैं ठीक है, है तो, तो सामने से वो लेडी बोलती है सर एक्चुअली तो जो हमारी ऑफिसर रहती हैं वो बोलती हैं क्या एक्चुअली कुछ बताओगे तो सामने से वो लेडी बोलती है सर वो एक्चुअली ना वो कि कुछ नहीं वो बस मतलब बता रही थी मैं आपको तो सामने से ऑफिसर बोलती है ठीक है फाइन ऐसे बोल के जो ऑफ़िसर रहती है फिर से अपना वर्क करने स्टार्ट कर देती है दैन तो जो लेडी रहती है मुंह लटकाते वहाँ से निकल जाती है पीछे से सौरभ भी आता है बोलते है, क्या हुआ तो लेडी बोलती यार कुछ नहीं तो सामने से सौरभ बोलते हैं कुछ प्रॉब्लम है क्या तो लेडी बोलते है, नहीं सामने से सौरा बोलते हैं देखो लेडी मलिस्का अगर आपने कोई फॉल्ट मीन्स गड़बड़ी की है ना तो आई प्रोमिस मैं उसको सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प करूँगा बट बताओ भी तो ये तो बात सुन के मलिस्का बोलती है नहीं मैंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है बट आ, तुम ही चलो देख लो ऐसे बोल के सौरभ को ले जाती है अपने साथ सौरभ भी वहाँ पे जाता है तो देखता है कि जो हमारी डॉक्टर है ना सच में बहुत खतरा है आई I मीन mean, उसका जो ड्रेसिंग सेंस था ना कुछ ज़्यादा ही मॉडल इनसाइड था और आप लोगों को पता ही है कि जो ऑफिसर्स uh, रहते हैं या चाहे वो डॉक्टर भी क्यों ना हो वो ज़्यादा स्टाइल में तो नहीं रहते हैं बट इस टाइम जो डॉक्टर रहते हैं सच में बहुत ज़्यादा उनका जो तरीका था ना ड्रेसिंग सेंस जो था एकदम मॉडल जैसा था उसको देखकर जो सौरभ रहता है भाई तो तो पागल ही हो जाता है उसके दिमाग में कुछ आता ही नहीं है बस इतना आता है कि यार ये कितनी और है तो लेडी मल बोलती है ओ कि मतलब फॉरेंसिक में डॉक्टर हैं ओके okay? इधर उधर की बात मत बोलो नहीं तो ये भी चली जाएंगी फिर हमारे हेल्प के लिए कोई भी नहीं होगा तो सौरभ बोलता है यार इसमें मैं क्या कर सकती हूँ मतलब कर सकता हूँ लेडी मलिस का ये सच में बहुत क्यूट है यार ऐसे बोल के सौरभ जो है डॉक्टर के साइड उस लेडी डॉक्टर के साइड देख रहा होता है तो लेडी डॉक्टर थोड़ा सा मतलब अपना जलवा दिखाते हुए बिखारते हुए अपने कैबिन में जाती है और बैठ जाती है देन वहाँ पे सौरभ आते हुए बोलता है हेलो मैम तो न्यू मतलब डॉक्टर फॉरेंसिक में हो तो ऐसे वो थोड़ा सा मतलब बात भी कर रहा होता है तो वो मतलब उसकी ज़ुबान से जो है ना आवाज़ निकल नहीं रहा होता है तो सामने से जो डॉक्टर रहती है वो बोलते हैं हाँ मैं ही तो सामने से सौरभ बोलता है मैं 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 सौरभ हूँ यहाँ का हर एक चीज़ मैं देखता हूँ तो ऐसे बोल के खुद का इंट्रो करता है तो सामने से जो डॉक्टर रहती है वो बोलती है हेलो है, ठीक है ऐसे बोल के थोड़ा सा मतलब प्लस करती है और अपने जो है मोबाइल पे फिर से टाइप करना स्टार्ट कर देती है तो सामने से जो मलिशका रहती है वो बोलते हैं मैम मैं मैं, 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 मैं डॉक्टर मैं मैं आपके अंडर काम करूँगी मैं मैं मैं, मैं मलिशका हूँ ऐसे बोल के वो बता रही होती है तो सामने से जो लेडी डॉक्टर रहती है वो कि मलिश्का आ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे भी तुम तो मुझे कॉमन तरीके से बात कर सकती हो ये मेरे को इतना ज़्यादा फ़ेवर नहीं चाहिए मैं की समझ गया ना तो सामने से मलिश्का बोलती है ओके okay, डॉक्टर तो बोलती है मेरा नाम अनाया है तो टेल मी जस्ट अनाया ओके okay? और और कुछ नहीं ऐसे बोल के जो अनाया मीन्स डॉक्टर अनाया रहती है वो हमारी मलिश्का को बोलती है तो मलिश्का तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है मतलब हैप्पी हो जाती है या कोई मतलब अच्छी तो बंदी मिली जो मुझसे बात कर सकती है ऐसे बोल के मलिश्का तो बहुत खुश थी तरह वहाँ पे अचानक से हमारे ऑफिसर की एंट्री होती है तो उसको देख कर जो डॉक्टर डॉक्टर अनाया रहती हैं वो सरप्राइज हो जाती हैं और खड़ी हो जाती हैं लेकिन जो हमारे ऑफिसर रहते हैं उनके पास आते हुए बोलते हैं ये आपका लुक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा इस तरीके का लुक देन यहाँ पे आप मतलब अपना वर्क कम करने के लिए आए हो ना कि मॉडलिंग करने तो सामने से जो डॉक्टर अनाया रहती है वो थोड़ा सा रूड होते हुए बोलती है इट्स माई चॉइस ओके मैं कुछ भी करूँ इसमें तुम्हारा क्या जाता है मैं तुम्हारे पैसे से तो नहीं कर रही हूँ तो सामने से जो ऑफिसर रहते हैं वो थोड़ा सा घूर के देखते हुए है, बोलती हैं मिस डॉक्टर अनाया मैंने बोला यहाँ पे सब एक रूल्स है देन उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है जो उस रूल को फॉलो नहीं करता है ना उसके ऊपर चार्ज लगता है तो सामने से अनाया थोड़ा एटीट्यूड में बोलती हैं डॉक्टर अनाया जो रहती हैं एटीट्यूड में रह बोलती हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जितना भी चार्ज हो मुझे बता देना मैं पे कर दूंगी बट मैं ऐसे ही रहूँगी ऐसे बोल के डॉक्टर अनाया वहाँ पर चुपचाप बैठ जाती हैं जो ऑफिसर रहती हैं वो उसके साइड देखती हैं और ख़ुद का सर पकड़ लेती हैं बोलती हैं यार इसको समझाने का कोई मतलब ही नहीं है ऐसे बोल के जो ऑफिसर रहती हैं अपने रूम के साइड आई मीन सॉरी याद कैबिन के साइड चली जाती हैं कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक मतलब कॉल आता है जिस कॉल को अटेंड करके जो सौरभ रहता है वो हमारी लेडी ऑफिसर के पास चला जाता है लेडी ऑफिसर के पास पहुँच कर वो सारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बता देता है बताने के बाद जो ऑफिसर रहता है वो वहाँ से चला जाता है देन हमारी ऑफिसर जो रहती है बोलती है ठीक है चलते हैं ऐसे बोल के कुछ टाइम के बाद जो हमारी ऑफिसर रहती है वो भी सौरभ के पीछे पीछे चली जाती है तैयार दोनों साथ में जाते हैं इनके बीच जो फॉरेंसिक में जो न्यू डॉक्टर आई रहती है ना डॉक्टर अनाया वो भी चली जाती है क्योंकि ऐसे क्राइम सीन जगह पे डॉक्टर भी साथ रहते हैं जो कि थोड़ा सा रिसर्च करने में ऑफिसर्स की हेल्प करते हैं देन ये दोनों जो हैं एक ही कार में चले जाते हैं इसमें जो डॉक्टर मलिश्का जो डॉक्टर अनाया की सपोर्टर थी देन उसके अंडर ही काम करने वाली थी वो भी चली जाती हैं देन वहाँ पे जाने के बाद वो क्राइम सीन को देख थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं देन बॉडी उनको एक बोलते हैं ना बोरी इनसाइड उसमें मिलता है जिसमें उसका जो है हाथ बाहर रहता है तो हर एक चीज डिटेल जो है हमारी मलिश्का हमारी डॉक्टर अनाया को बता रही होती है तो डॉक्टर अनाया जो रहती है वो हर एक चीज जो है देख रही होती है जो हमारे ऑफिसर रहती हैं वहाँ पे हर जगह पे उस क्राइम सीन को मतलब चेक कर रहे होते हैं ताकि कोई क्लू मिल जाए इस चक्कर में वो वो क्राइम सीन सीन से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं ये एक रिवर के पास ये क्राइम हुआ था मतलब एक बड़ा सा रिवर इन था और सुनसान भी था तो उस जगह पर क्राइम हुआ था उस रिवर के पास जाकर जो ऑफिसर रहते हैं वो हर एक चीज़ को बहुत बारीकी से चेक कर रहे होते हैं तभी हमारी ऑफिसर जो रहती हैं उनकी आंखों में अचानक सी स्मॉल लाइट की किरण उनकी आँखों में पड़ जाती है जिस किरण को देख करके जो ऑफिसर रहते हैं उस ओर देखने लगते हैं उस ओर एक चीज जो है चमक रही थी उस साइड टॉर्च को अच्छे से मतलब देखने से कुछ मतलब था समथिंग तो उस ओर जो ऑफिसर रहती हैं वो चली जाती हैं वो रिवर की जस्ट किनारे में था थोड़ा सा पानी का जो ये रहता है ना वहाँ पे पड़ रहा था और जस्ट जब ऑफिसर ने वहाँ पे लाइट मतलब टॉर्च वहाँ पे डाला था तो उस टॉर्च के साइड से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया कर रही थी थी तो उस प्रतिक्रिया की वजह से उनकी आंखों पे वो रोशनी पड़ जाती है सो so, उस रोशनी को देखकर ऑफिसर उन उस रोशनी के साइड चले जाते हैं वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे एक ब्रेसलेट था जिसमें बहुत अच्छे तरीके से मतलब एक गोल्डन कलर का था उस ब्रेसलेट को देखकर जो ऑफिसर रहती हैं वो थोड़ा सा हैरान हो जाती हैं क्या ये उस मतलब लेडी का है जिसका हमें बॉडी मिला है या फिर ऐसे बोल के उस ब्रेसलेट को बहुत बारीकी से देखने लगते हैं लेकिन उस ब्रेसलेट का मतलब कुछ शब्द जो है मिट चुके रहते हैं तो इस चीज़ के लिए उस ब्रेसलेट को अच्छे से उसको अपने जो रुमाल था ना उसमें कवर कर लेते हैं ताकि कुछ यहाँ से जो सबूत भी है कुछ भी है वो मिट ना जाए तो उस चीज़ को सीधा डॉक्टर अनाया को दे देती हैं और अनाया जो है उसको देख कर बोलती है ये तो ऑफिसर बोलती है ये तो मुझे पता नहीं है बट आप इसको पता लगा के दो तो सामने से डॉक्टर अनाया थोड़ा सा रूटी रूपे में उनके साइड देखते हुए बोलती हैं ओह क्यों ऑफिसर को हमारी ज़रूरत पड़ ही गई ना तो सामने से ऑफिसर जो रहती हैं वो बोलते हैं अब ये आपका वर्क है अगर आपको करना है तो करिए नहीं करना है तो कोई ना मैं किसी और को दे दूंगी ऐसे बोल के जो डॉक्टर की साइड हमारी जो ऑफिसर रहती हैं थोड़ा सा रूडली देखती हैं और वहाँ से निकल जाती हैं तो पीछे से जो अनाया रहती हैं वो स्माइल करने लगती हैं बोलती हैं यार ये बंदी थोड़ा अजीब नहीं बहुत अजीब है बिल्कुल चेंज नहीं होने का मतलब नाम ही नहीं ले रही हैं जब से मिली हैं तब से ये सब जो है डॉक्टर अनाया के माइंड में चल रहा होता है और दूसरे साइड जो ऑफिसर रहती हैं वहाँ से सीधा अपने कार के पास जाकर खड़ी हो जाती हैं कार पे पास जाकर खड़े होने के बाद वो अपने ऑफिसर मतलब सौरभ से बात करने लगती हैं और सौरभ जो है बताता है इस लड़की के बारे में ज़्यादा डिटेल्स तो मुझे पता नहीं है मैम बट इतना पता है कि ये आम, देखने से पता चल रहा है कि ये करीबन थर्टी फाइव या थर्टी सिक्स एज के अराउंड की होगी क्योंकि ये थोड़ी यंग है सो so, यंग होने की वजह से इनकी एज का तो पता नहीं है बट थर्टी सिक्स 37 थर्टी सेवन तक तो जो ऑफिसर रहती हैं वो बोलते हैं ओके उसके बाद जो ऑफिसर रहती हैं वो बोलती इसके पिक को अखबार में डलवा दो ताकि पता चले कि ये कौन है ओके okay? एंड uh, इसका पिक अगर अखबार पे छप जाएगा तो ऑब्वियसली इनकी फैमिली मेम्बर तो आएंगे ही तो देख लो तो सामने से सौरभ बोलता है ओके मैम ऐसे बोल के जो सौरभ रहता है वहाँ पे फिर से क्राइम एरिया में चला जाता है देन ऑफिसर वहाँ से निकलने ही वाली थी कि पीछे से डॉक्टर अनाया भी आकर बैठ जाती है और बोलते हैं रुको मेरा भी मतलब वेट कर लो मतलब मुझे इस तरीके से यहाँ पे छूट के कैसे जा सकते हो आप तो सामने से ऑफिसर बोलते हैं क्यों ये तो आपका काम है ना तो डॉक्टर बोलती हैं हाँ मेरा काम है बट मेरा काम तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है तो ऑफ़िसर बोलती हैं अच्छा तो तो सामने से अनाया बोलती हैं तो तो मुझे मुझे मतलब मतलब मेरे को ऑफिस में छोड़ दो आपको कोई प्रॉब्लम है मेरे से ऐसा वो बहुत क्यूट वे में एंड सड्यूज करते हुए हमारे ऑफिसर को बोल रही होती हैं तो ऑफिसर जो है थोड़ा सा मतलब चिड़ सी जाती हैं यार उनके साइड देखने से उनको अजीब सा मतलब फील होता है एक फैमिलियर uh, इनसाइड वाला फीलिंग आ रहा होता है उस चीज़ को कंट्रोल करते हुए जो ऑफिसर रहती हैं वो अपना कार्य स्टार्ट कर देती हैं देन जो ऑफिसर और डॉक्टर अनाया रहती हैं ये दोनों जो हैं अपने क्राइम ब्रांच पे चली जाती हैं क्राइम ब्रांच में जाने के बाद जो डॉक्टर अनाया रहती हैं वो अपने कैबिन के, के साइड चली जाती हैं देन जो ऑफिसर रहते हैं ये भी अपनी कैबिन के साइड चले जाते हैं डॉक्टर अनाया अपने कैबिन के साथ साइड जाते ही वहाँ पे जो बंदा रहता है ना जो कि पूरा जो डॉक्यूमेंट्स एंड समथिंग सबूत वगैरह जो एक रूम में रहता है उस सब का मतलब हर एक चीज़ का डिटेल उसके पास रहता है तो वहाँ पे डॉक्टर अनाया फ्रेश होने के बाद चली जाती हैं वहाँ पे जाने के बाद उस लड़के से थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छे से बात करती है जिससे वो लड़का जो सॉरी ऑफिसर जो रहता है ना थोड़ा सा वो हो जाता है प्रेस हो जाता है और खुद को मतलब थोड़ा सा बेटर कर रहा होता है बार बार अपने बालों को टच कर रहा होता है अपने सर के पीछे अपना हाथ रख रहा होता है तो जो हमारी डॉक्टर रहती है ना डॉक्टर अनाया वो बोलती है आ, तो मैं अंदर जाऊँ तो जो ऑफिसर रहता है वो बोलता है क्यों नहीं क्यों नहीं ऐसे बोल के ऑफिसर के सामने से ही डॉक्टर अनाया अंदर चली जाती हैं अंदर जाते ही डॉक्टर अनाया कुछ देखने लगती हैं और वहाँ पे कुछ सबूतें चेक करने लगती हैं इसी बीच उनको कुछ आने की आहट लग जाती है इस बीच डॉक्टर अनाया को वो सामान मिल गया था जिस सामान के पीछे वो पड़ी थी देन उसको पकड़ते ही अपने जो पॉकेट में रहता है ना उसमें रख लेती हैं तभी पीछे से हमारी ऑफिसर आकर उसके हाथ को पकड़ पीछे के पीछे मतलब वो कर लेती है होल्ड कर लेती है होल्ड करने की वजह से जो डॉक्टर नया रहती हैं वो सीधा उसमें मतलब सबूत का जो रहता है ना उसमें टकरा जाती है मतलब गैरेज जो भी रहता है यार उसमें लग जाता है उसका फेस और वो बोलते आ तो सामने से जो ऑफिसर रहती हैं वो बोलते तुम तुम यहाँ पे क्या कर रही हो ऐसे बोल के उसके सेट देख रही होती है तो जो डॉक्टर अनाया रहते हैं वो बोलते कम डाउन कम डाउन मैं ही हूँ बस थोड़ा सा चेक करने आई थी यहाँ पे तो ऑफिसर बोलती हैं यहाँ पे किसी का आना अलाव नहीं है आपको पता नहीं है तो सामने से डॉक्टर रनाया बोलती हैं हाँ मुझे पता है बट तो मैं एक डॉक्टर हूँ फॉरेंसिक लैब से हूँ सो तो ऑबियसली मुझे यहाँ पे चेक करने के लिए आना तो बनता है तो जो ऑफिसर रहती है उसका हाथ छोड़ देती है हाथ छोड़ते ही जो डॉक्टर रनाया रहती है वो तो उनको थोड़ा तो गुस्सा आया रहता है क्योंकि उनका जो हाथ था ना बहुत गंदे तरीके से ऑफिसर ने मोड़ा था तो वो भी उनका कॉलर पकड़ कर अपने पास बहुत क्लोज कर लेती है जिसके वजह से जो ऑफिसर का जो बटन रहता है ना दो ओपन हो जाता है जिससे उनका मतलब जो चेस्ट रहता है ना बहुत बारीकी से दिख रहा होता है सो उसको देखकर जो अनाया रहती हैं वो उसके बहुत करीब आ जाती हैं ऑफिसर की इतनी करीब आ जाती हैं कि जो ऑफिसर रहते हैं ना वो थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाते हैं और उनके गाल जो है लाल हो जाता है तो जो अनाया रहती हैं डॉक्टर अनाया वो बोलते हैं आपको पता नहीं किसी के साथ इस तरीके से बैड बिहेवियर नहीं रखना चाहिए और मैं तो यहाँ पे डॉक्टर हूँ और देन मेरे साथ इस तरीके से बदसुल्खी करने की आपकी हिमाकत थी कैसी हुई ऐसे बोल के जो हमारी डॉक्टर अनाया रहती हैं वो ऑफिसर के बहुत क्लोज आते हुए बोलती हैं ऑफिसर कसे अगली बात ध्यान रखना मैं कोई क्राइम करने वाली या फिर कोई मर्डरिस्ट नहीं होंगे मैं एक डॉक्टर हूँ वो भी इस क्राइम ब्रांच की सो so, मेरे साथ गुड बिहेवियर रखोगे ना तो बहुत अच्छा होगा ऐसे बोल के उनके बहुत क्लोज मतलब ऑफिसर कसीस के बहुत क्लोज आ जाती हैं और उसके नेक के पास अपना फेस करते हुए बोलती हैं मैं मतलब वो इंसान नहीं हूँ जो शांति से हर एक चीज़ देख लूँ और किसी का भी चीज़ मतलब समझ सकते हो ना मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ मैं पागल सी हूँ छल्ले सी हूँ और क्रेजी भी हूँ सो यू नो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ बहुत गरीब ऑफिसर के पास जाती है जिससे ऑफिसर भी थोड़ा सा सहम जाती है, ब्लस करने लगती है। तो सामने से इन दोनों का जो ये क्लोजी क्लोजी मोमेंट था ना बहुत क्लोजी हो जाता है पीछे से जो ऑफिसर रहता ना वो कुछ ज्यादा ही डर गया था क्योंकि वो देख चुका था कि जो ऑफिसर कसीस है ना वो भी उसी एरिया में मतलब जहाँ पे इनका जो सबूत वगैरह रहता है ना उसी में जा रही हैं तो अगर उनको पता चला कि मैंने इनको जाने की अनुमति दी है तो ये मेरी अनुमति का मरमत्ती कर देंगे मतलब मेरा यहाँ से ऐसे बोल के वो तो सीधा भागते हुए अंदर जाते हैं बोल डॉक्टर अनाया आपको मिस मलिस का बुला रही है डॉक्टर मलिश का बुला रही है आपको हाँ चल जल जल्दी आप वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में चले जाइए ऐसे बोल के जो ऑफिसर रहता है ना डर से बोल रहा होता है तो वो हमारी ऑफिसर कसिस को थोड़ा सा उससे दूर होते हुए बोलती हैं ओके फाइन मैं आ रही हूँ तुम जाओ ऐसे बोल के ऑफ़िसर के साइड घूर के देख दे, देखती है तो ऑफ़िसर भी चुपचाप निकल जाता है क्योंकि उसको डर था ऑफिसर कसिस का तो जो हमारी अनाया रहती है वो बोलती देखिए ऑफिसर कसिस आप मेरे साथ ज़्यादा क्लोज होने की ज़रूरत ना करिए हिमाकत भी ना करिए मैं कोई एरी गरी लड़की तो नहीं हूँ तो मेरे से दूर रहिए ऐसे बोल के जो डॉक्टर अनाया रहती हैं वहाँ से चुपचाप निकल जाती हैं जो पीछे से हमारी ऑफिसर कसिस रहती हैं वो गुस्से के से उसके से देख रही होती हैं इतना उनको गुस्सा आ रहा होता है ना कि क्या ही बताएं उनका जो हाथ था ना वो मुट्ठी जो रहता ना इतना कस के पकड़े थे कि उसको जब अपनी मुट्ठी से बाहर मतलब जब उसको रिलैक्स करते ना तो देखते हैं कि उनका जो हाथ था ना उनकी उंगलियों से जो नाखून से वहाँ पे बहुत गहरा निशान पड़ गया है और वहाँ पे रेडनेस आ गया है और वो अपने मतलब बटन को लगाते हुए बोलते हैं हाँ पता नहीं सर ने इनको कहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाया आई डोंट नो ऐसे बोल के जो ऑफिसर कशिश रहती हैं वहाँ से बाहर आ जाती हैं बाहर आते ही वो ऑफिसर का मतलब अच्छे से पिटाई करती हैं आई मीन पिटाई नहीं उनका अच्छे से मतलब खबर लेती हैं और उनको अच्छे से डांट लगाने के बाद वो निकल जाते हैं और इधर जो ऑफिसर रहता है भाई उसका हालत पे मतलब हलक आ गया था और उसकी से जो थम गई थी ना वो अचानक से चलने लगी थी ऑफिसर कशिश को देख उसकी ऑब्वियसली हवा टाइट तो हो गई थी जब उनके जाते ही उसकी सांसों में सांस आते हुए वो बोलता है फाइनली ऑफिसर कशिश से बचने का यही तरीका है कि तुम चुपचाप उनकी बात सुन लो वैसे भी वो हमारे लीडर हैं तो चुपचाप तो बात सुनना बनता है ऐसे बोल के जो ऑफिसर रहता है वहां चुपचाप बैठ जाता है और बोलते हैं आइंदा मैं किसी को इस जगह पे आने बिल्कुल नहीं दूंगा ऐसे बोल के जो ओ... ऑफिसर रहता है ना चुपचाप वहाँ पे बैठ जाता है देन जो हमारी ऑफिसर कसिस रहते हैं वो अपने कैबिन में जाती हैं और देन उस केस को देखने लगती हैं अच्छे से उस केस को नोट कर रही होती हैं हर एक चीज को सो हे गाइस देखते हैं कि इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है और आपको स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा एंड लव यू ऑल बाय बाय गुड मॉर्निंग गाइस